तो हमारे गेम में बहुत सारे डायनासोर्स आ चुके हैं और ये डायनासोर्स खुले में घूमते हैं, तो वो हम बुलाएंगे। सबसे पहले छोटा वाला डायनासोर आता है 5-0 से, जिसका नाम है वेलोसी रैप्टर। और आप सोचोगे कि ये डायनासोर तो पहले भी था, लेकिन ये उस डायनासोर से बहुत ज़्यादा अलग है। ये वाला डायनासोर पे आप राइड नहीं कर सकते, ये फ्री रोम वाला है, तो ये खुले में घूमता है और ना ही ये किसी को काटता है, तो ये उनमें से है। अब आता है नेक्स्ट वाला, टीरेक्स आता है 5-1 से, तो ये भी हमारे जुरासिक पार्क में आपको मिल जाएगा। पहले से था ये और अब इसकी चीट कोड भी आ चुकी है गाइस। पहले इसकी चीट कोड नहीं थी, तो 5-1 डालोगे तो ये टीरेक्स भी आ जाता है और ये भी खुले में ही घूमता है। अभी मैं जो भी डायनासोर आपको बता रहा हूँ ये खुले में घूमते हैं, ये किसी को काटते नहीं है। 5-2 से आएगा गाइस स्पाइनो। स्पाइनो जो है ये बिल्कुल ही न्यू डायनासोर आया है, स्पाइनोसोरस रहता है इसका नाम। और ये जो डायनासोर्स है इनकी एक सीक्रेट कोड है अटैक वाली, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए स्पॉन कर लेते हैं। अब हमारा एक और डायनासोर बचा है जो कि सबसे बड़ा डायनासोर है, 5-3 से आने वाला ब्रैकियोसोरस। और ये आता है भाई इतना बड़ा कि इसको हम लोग अच्छे से देख ही नहीं सकते, नीचे से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है तभी इसका पूरा शरीर हमें दिखता है। तो ये चारों डायनासोर है हमारे जो कि आपको मिल जाएंगे इस गेम में। अब मैं आपको चीट कोड जो कि आपके पेट्स रहते हैं और आप इनको राइड भी कर सकते हो। तो सबसे पहले चीट कोड है 5050 और इससे वापस वेलोसिराप्टर आता है, लेकिन ये अलग ऐसे है कि इसको आप राइड भी कर सकते हो गाइस। तो जैसे ही आप इसके पास आ जाते हो आपको ये एंटर का ऑप्शन आ जाता है जो कि कुत्ते के पांव जैसा है, इसको आप दबाओगे तो आप इसके ऊपर बैठ जाओगे। उसके बाद आपको किसी भी एनपीसी के पास जाना है और जो मुक्के वाला ऑप्शन है इसको दबाना है, तो ये एनपीसी पे अटैक करता है। खुद से अटैक नहीं करेगा, आप जब ये दबाओगे तभी अटैक करेगा। अगला चीट कोड है हमारा 600 का और इससे आता है एक डॉग। पहले डॉग पे आप राइड नहीं कर सकते थे पर अब कर सकते हो, और ये भी वैसे ही काम करता है। इसको भी आप एनपीसी के पास लेके जाओगे और मुक्के का ऑप्शन दबाओगे तो ये भी एनपीसी को काटने लग जाता है। अभी मैं आपको काट के दिखाता हूँ, ये लो मैंने नहीं काटा, डॉग ने काटा है। अगला चीट कोड है हमारा हॉर्स का और ये आता है 200 से, तो 200 डालोगे तो हॉर्स आ जाएगा। इस पे भी आप राइड कर सकते हो, बस इसमें फर्क ये है कि ये किसी को काटेगा नहीं। सामने ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं और ये बहुत सारे रहते हैं, और जैसे ही स्पॉन होते हैं और आप इनके रेंज में आ जाते हो तो ये आप पे अटैक करने लग जाते हैं और इनसे आप बच भी नहीं सकते, तो ये आप पे अटैक करने लग जाएंगे, फिर आप सिर्फ भाग सकते हो। अब अगर आपको इन ज़ॉम्बीज को डीएक्टिवेट करना है तो इसकी चीट कोड भी है, इसके लिए आपको डालना पड़ेगा 2040 और इससे डीएक्टिवेट हो जाएंगे लेकिन डीस्पॉन नहीं होंगे। डीएक्टिवेट का मतलब ये है कि अब ये स्पॉन नहीं होंगे, लेकिन डीस्पॉन करना है तो आपको इस एरिया के थोड़ा दूर जाना पड़ेगा तब ये डीस्पॉन होंगे, वरना ये नहीं होते हैं। अब अगर आपको एनपीसी बहुत सारे और बढ़ाने हैं तो आप 1, 2, 3, 4, 5 डाल सकते हो, इससे आपके सड़क पे जो एनपीसी घूम रहे हैं ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। और सेम आप ट्रैफिक कार्स भी बढ़ा सकते हो, तो 5, 4, 3, 2, 1 डालना है और आपके गेम में ट्रैफिक कार्स भी बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं पानी में चलने वाली गाड़ियों की, तो अभी तक सिर्फ एक गाड़ी आई है जो कि इसी अपडेट में आई जो कि पानी में चलती है, 3001, इससे आएगी बोट गाइस। तो हमारी जो बोट है वो इसी अपडेट में ऐड हुई है, तो आप ये चला सकते हो और ये अभी तक सिर्फ अकेली व्हीकल है जो पानी के ऊपर चलती है, तो इसको आप चला लो और बस ये ज़मीन के ऊपर मत चलाना क्योंकि वहाँ ये नहीं चलेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे व्हीकल्स की जो कि हवा में उड़ते हैं, तो सबसे पहले आएगा जेटपैक 320 से और ये रहता है हमारा बिग वाला जेटपैक, ठीक है, तो इसका साइज बड़ा रहता है। एक मिनी जेटपैक भी है हमारे गेम में, उसका चीट कोड है 330 और इन दोनों में फ़र्क ज़्यादा है नहीं, तो आप किसी को भी चला सकते हो। अब आपको कहीं जल्दी जाना है बहुत, तो 555 से प्लेन आ जाता है और ये सबसे फास्टेस्ट व्हीकल है हमारे गेम की, ठीक है, तो इससे आप जा सकते हो। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर भी है हमारे गेम में, इसका चीट कोड है 8000 का, तो हेलीकॉप्टर भी चला सकते हो, प्लेन भी चला सकते हो और जेट पैक भी चला सकते हो। फ़र्क इतना है कि प्लेन बहुत ऊपर तक जाता है, हेलीकॉप्टर और जेट पैक बस एक लिमिट तक ही ऊपर जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ अलग गाड़ियों की जो कि जॉब वाली रहती है और इस गेम में बहुत अलग है, तो 6677 से आएगी पहली गाड़ी जो कि जेसीबी है गाइस। और जेसीबी इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है, आपने तो देखा ही है, तो जेसीबी का चीट कोड आ चुका है गेम में और इसके कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा एडवांस भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हर पार्ट मूव करता है।
हमारा अगला चीट कोड है पिकअप ट्रक का, जो कि है 8880। इसको हमर भी बुलाते हैं और ये एक पिकअप ट्रक होता है। इसके पीछे आप जगह देख सकते हो जहाँ पे सामान रखने की जगह है। अगला व्हीकल है हमारा टैंक, जो कि एक आर्मी टैंक है और इसका चीट कोड है 4040। और ये टैंक है इसलिए जाहिर सी बात ये है कि इसमें आरपीजी भी है, तो आप इसके नोजल को कंट्रोल कर सकते हो और आरपीजी भी फायर कर सकते हो। अगला व्हीकल हमारे गेम का है ट्रक, तो इसका चीट कोड है 1212 का। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा ट्रक है, तो इसमें आप ट्रेलर भी लगा सकते हो। अगर आप 01212 डालते हो तो ट्रक विद ट्रेलर स्पॉन हो जाता है और इसका ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है। अगला चीट कोड है हमारा फायर ट्रक का, इसका चीट कोड है 606 गाइस। इससे आपको फायर ट्रक मिल जाता है, लेकिन ये अलग वाला है, पानी वाला नहीं है। और सिर्फ यही नहीं है, हमारे गेम में पुलिस भी है, तो इसलिए पुलिस बनना हो तो पुलिस कार की चीट कोड है 100। और दूसरी पुलिस कार चाहिए बड़ी वाली, तो 101 से बड़ी वाली पुलिस कार भी आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन कार्स की चीट कोड जो कि जीप टाइप में रहती है, यानी कि एसयूवी टाइप में। तो सबसे पहली कार है हमारी महिंद्रा थार, जो कि सबकी फेवरेट है। इसका चीट कोड है 9191 और ये इसी अपडेट में आई है गाइस। तो ये प्रॉपर थार है हमारी 4X4 वाली। हमारे पास गेम में मॉडिफाइड थार भी है, तो उसकी चीट कोड बताता हूँ। मॉडिफाइड थार अगर आपको चाहिए तो उसकी चीट कोड है 9090 और ये भी आप देख सकते हो थार जैसी है, बस मॉडिफाइड है, थोड़ी सी बड़ी भी है। अगली चीट कोड है हमारी बोलेरो की, तो इसका चीट कोड है 3100। अगला चीट कोड है इंडीवर कार का 2020 और ये सब आपको अब लग्जरी लग रही होगी। 1001 डालोगे तो गाइस लेजेंडर मिलती है आपको, ठीक है, लेजेंडर वाली। उसके बाद 1000 की चीट कोड अगर डालते हो तो आपको फॉर्च्यूनर कार मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर कार है इंडिया में। नेक्स्ट कार है हमारी स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो का चीट कोड है 333 और स्कॉर्पियो S11 भी है, उसका चीट कोड है 444। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। अगला चीट कोड है गाइस रेंज रोवर का, तो इसका चीट कोड है 6666 और ये थोड़ी सी ग्लिची है, तो स्पॉन करते ही जंप मारती है। तो ये है हमारी सारी कार्स जो कि एसयूवी वाली है। कोई सी नहीं होगी तो भाई कमेंट में बोलना मत, क्योंकि मुझे कार्स का इतना नॉलेज नहीं है। मैंने पहले आपको जीप वाली सारी बताई है। तो अभी मैंने आपको SUVs की चीट कोड बताई थी, अब मैं आपको सुपर कार्स की चीट कोड बताऊंगा। पहली कार है हमारी सुपरा, जिसका चीट कोड है 2244। अगली कार है हमारी मस्टैंग GT और इसका चीट कोड है 8123 गाइस। बहुत ज़्यादा मस्त लगती है ये भी। अगली है फरारी, 8811 की चीट कोड है इसकी। टार्जन मूवी तो आपने देखी होगी, तो टार्जन कार भी हमारे गेम में। 300 अगर आप डालते हो तो टार्जन कार आ जाती है हमारे गेम में। नेक्स्ट है पोर्शे की चीट कोड, इसकी चीट कोड है 4000 की गाइस। ये थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन ठीक है। अगली रोल्स रॉयस की चीट कोड है 2000 गाइस, ये ओपन वाली है, ये भी बहुत अच्छी है। अगली है बुगाटी, जिसका चीट कोड है 800। फिर कोनीशेक, जिसका चीट कोड है 900। और अगली है ऑडी कार, जिसका चीट कोड है 500। और लास्ट में बहुत लोगों की फेवरेट लैम्बोर्गिनी 3333 की चीट कोड से आती है। ये थोड़ी पुरानी है, और अच्छी चाहिए तो 700 से आपको इसका वर्जन 2 भी मिल जाएगा। तो ये है हमारी सारी सुपर कार्स गाइस। इस गेम में आप इनको भगा भी सकते हो और मजे कर सकते हो। अब आते हैं इस गेम की बाइक्स पे, क्योंकि इसका नाम ही इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D है। तो सबसे पहले आती है सुपर स्प्लेंडर, जिसका चीट कोड है 6021 का। अगला चीट कोड है 4050, जो कि है अपाचे बाइक का। फिर 999 से आती है यामाहा VMAX, 888 से आती है यामाहा FZ10, ये सुपर बाइक्स बता रहा हूँ मैं आपको। 777 से आती है डुकाटी डियावेल और 666 से आती है बनेली TNT। ये चारों बहुत ही मस्त बाइक्स है। फिर एक सुपर बाइक बताता हूँ, 6000 से आती है ट्रॉन बाइक, जो कि कॉन्सेप्ट बाइक है, बहुत ही अच्छी। फिर ZX10R बाइक बहुत लोग को पसंद है, 400 से आती है। फिर 8888 डालोगे तो ड्यूक 1290 आती है और 7777 डालते हो तो ड्यूक 200 की बाइक आती है। फिर बहुत ही मस्त बाइक है हमारे गेम में घोस्ट राइडर बाइक 5555 की चीट कोड से। और आपने देख लिया, अगर कोई भी बाइक या कार इसके बगल में रहती है तो वो फट जाती है, तो इसलिए थोड़ा दूर रखें। फिर 4444 से एक और कॉन्सेप्ट बाइक आती है, कोबरा बाइक, जो कि बहुत मस्त लगती है। फिर 0015 से आती है यामाहा R15 और इसी अपडेट में इसका नया मॉडल आया है। फिर एक स्कूटी का चीट कोड बताता हूँ, 4000 डालोगे तो हीरो प्लेजर आ जाती है गाइस, पहले इससे एक्टिव आती थी।
अब 3000 अगर आप डालोगे तो कावासाकी निंजा H2R आएगी, 5000 डालोगे तो न्यू मॉडल पल्सर RS200 आएगी, पहले ओल्ड मॉडल आता था इसका, फिर 7000 अगर डालते हो तो न्यू मॉडल हायाबूसा आती है, 9000 डालते हो तो स्प्लेंडर बाइक आती है, और ये आप दो बार डालो तो भाई अलग अलग भी आती है। देखो अभी ब्लैक वाली आई, अब मैं फिर से 9000 डालूंगा तो रेड वाली भी आती है। इसका कलर चेंज नहीं होता इसलिए आपको ऐसे अलग से स्पॉन करना पड़ेगा, ये दोनों मॉडल अलग है ठीक है। तो 9000 से ही आते हैं दोनों, रैंडम आते, कभी ये आएगी कभी वो आएगी। फिर आपको अगर ड्यूक KTM का शौक है तो 1190 डालते हो तो KTM 1190 आती है, फिर 4215 अगर डालते हो तो इससे भी ड्यूक आती है, फिर 1210 डालते हो तो इससे भी KTM आती है। सब ड्यूक KTM ही है, मुझे मॉडल नहीं मालूम। उसके बाद 1211 डालोगे तो फिर से भाई पल्सर आ जाएगी। और इसी में मैं आपको साइकिल का भी चीट कोड बता देता हूँ जो कि है 1111। इससे आपको साइकिल मिल जाती है गाइस, और 2222 अगर डालते हो तो आपको ATV बाइक जो है वो मिल जाती है। तो ये है हमारे गेम की सारी बाइक्स, एक आध फूट गई होगी लेकिन ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है ऐसे देखने में। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ मॉन्स्टर ट्रक्स की चीट कोड। तो सबसे पहले है 0300, इससे आएगी गाइस टार्जन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कुछ कार्स हैं जिनके आगे अगर आप जीरो लगा देते हो उनकी चीट कोड के तो आपको उनकी मॉन्स्टर कार्स या मॉन्स्टर ट्रक्स देखने को मिल जाती है। ऐसी कोनी से किया जाती है 0900 से, बस आपको उसकी चीट कोड याद रखनी है और जीरो डाल देना है। फिर पुलिस वाले की भी आती है 0100 से, और दूसरी वाली की भी आती है 0101 से। तो ये दोनों पुलिस कार के मॉन्स्टर कार्स भी आपको देखने को मिल जाती है। फिर लैम्बोर्गिनी की अगर चाहिए तो 03333 से आ जाएगी। अब आप बोलोगे ये सब उचक क्यों रही है, तो ये गेम में ग्लिच हो चुका है, सब उचकती है। 0700 से दूसरी लैम्बोर्गिनी, अच्छी वाली लैम्बोर्गिनी की भी आ जाती है मॉन्स्टर ट्रक। और सबसे ज्यादा ग्लिची तो ये है फॉर्च्यूनर वाली मॉन्स्टर ट्रक जो कि आती है 01000 से, और ये तो गायब भी हो जाती है आसमान में, बहुत देर बाद आती है। फिर थार की भी आ जाती है जो मॉडिफाइड वाली है उसकी, 09090 से। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी चीट कोड जिससे आप गेम को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको दिन दिख रहा है तो आप इसको रात कर सकते हो, आपको इसके लिए फ़ोन में 9 डालना है तो इससे डे जो है वो नाइट मोड में कन्वर्ट हो जाता है गाइस पूरा। और अगर आप अपने घर पे रहते हो ना तो आपके घर के जो लैम्प्स हैं ये भी जलने लग जाते हैं, और ये इसी अपडेट में आया है तो ये लैम्प्स भी जलने लग जाएंगे। तो ये नाइट मोड का चीट कोड है, अगर वापस आपको डे करना है तो वापस 9 डाल दो, वापस से दिन हो जाता है। आप गेम में कुछ ऑब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर आप दो बार जीरो डालते हो तो आपके गेम में फ्यूल टैंक स्पॉन हो जाता है, और एक बार अगर जीरो डालते हो तो 5 गैस टैंक स्पॉन हो जाते हैं। अब आप इनको फोड़ भी सकते हो जैसे आपको फोड़ना है, अगर धीरे धीरे फोड़ना है तो आप AKM से फोड़ सकते हो, एक बारी में फोड़ना है तो RPG से फोड़ सकते हो। और गैस टैंक जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूटता है, बिल्कुल एक प्रॉपर सिलेंडर की तरह ये घूम घूम के फिर फट जाता है। आपके गेम में कुछ स्पेशल पावर्स की चीट कोड भी है, जैसे कि अगर आप 9129 डालते हो तो आपको इन्फिनाइट हेल्थ की चीट कोड मिल जाती है। इससे आपकी जो हेल्थ है वो नॉर्मल चीज़ों से या फिर कुछ कुछ चीज़ों से गिरते हो तो आपकी हेल्थ नहीं जाएगी। हेल्थ बार हमारा ग्रीन वाला बार होता है तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि मेरी बिल्कुल भी हेल्थ नहीं गई है। फिर अगर आप खुद पे कोई सी भी गन मारो जैसे कि RPG में मारो तो भी आपकी हेल्थ नहीं जाएगी। और जो डायनासोर्स रहते हैं जुरासिक पार्क में, ये भी आपको इन्फिनाइट हेल्थ लगने के बाद नहीं मारते हैं, खुद से ही नहीं मारते, अटैक ही नहीं करते हैं आप पे। जैसे कि मैं आपको इन्फिनाइट हेल्थ हटा के दिखाता हूँ, ये मैंने ना डीएक्टिवेट कर दी, और जैसी मैंने करी देखो इसने मुझे काट लिया है। फिर जैसे ये NPC है, अगर ये आपको मुक्के मारते हैं या पुलिस वाले भी आपको मुक्के मारते हैं जो स्टेशन के बाहर खड़े, तो इन्फिनाइट हेल्थ लगी होने के बावजूद भी आपकी हेल्थ कम होगी। और जैसे पुलिस की गाड़ी है, अगर ये आपको ठोकती है, जैसे इसने अभी मुझे ठोक दिया ठीक है, कितनी तेज गिरा मैं लेकिन मेरी हेल्थ नहीं गई है क्योंकि इन्फिनाइट हेल्थ लगी है। ये मुझे गोली भी मार रहा है तो भी मेरी हेल्थ नहीं जाएगी क्योंकि इन्फिनाइट हेल्थ लगी है, लेकिन आपकी हेल्थ एक जगह जा सकती है। अगर ये आपको गोली मार रहा है और आप कार में बैठे हो तो आपकी हेल्थ जाती है, और स्टिकी बॉम्ब से भी आपकी हेल्थ जाती है। अगर आपने कोई भी स्टिकी बॉम्ब फेंका या आपके शरीर पे लगा है और आपने उसको एक्टिवेट कर दिया फोन से, तो उससे भी आपकी हेल्थ जाएगी इन्फिनाइट हेल्थ लगे होने के बावजूद भी। अगली चीट कोड है सुपर जंप की, इससे आप बहुत ऊंचा कूदते हो, तो 1215 अगर आप डालते हो, मैं इन्फिनाइट हेल्थ लगा देता हूँ ताकि हम लोग आउट नहीं हो,
ठीक है, सुपर जंप इससे हो जाएगी। जैसे आप जंप दबाओगे, दो बार आपको जंप दबाना है जंप करने के लिए, तो आप इतनी ऊपर कूद जाओगे। फिर अगर आपको इससे भी ऊंचा कूदना है तो फिर आपको पहले ये वाली चीट कोड हटानी पड़ेगी, क्योंकि फिर डीएक्टिवेट होती है एक बार। फिर सुपर जंप के लिए 1216 डाल देना तो अल्ट्रा सुपर जंप लग जाएगी, तो इससे आप और ज्यादा ऊपर कूदते हो। आप इससे हाइट कंपेयर कर सकते हो हमारी पिछली वाले जंप की। फिर एक चीट कोड होता है स्काईफॉल का, इससे आप आसमान से गिरते हो। चीट कोड है 1120। जैसे आप ये डाल देते हो और एंटर कर देते हो, कॉल लगा देते हो, तो आप आसमान से नीचे गिरने लग जाते हो। फिर है हमारे स्लो मोशन की चीट कोड, वैसे ये एक ऊपर भी है, आपको कैमरा के ऑप्शन के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा है, इससे भी स्लो मोशन होता है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। नीचे जो येलो बार है ये देखो थोड़ा सा कम हो गया, तो ये थोड़ा सा लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लेकिन आपको अच्छे से पूरे गेम में चाहिए तो 1112 डाल देना। देखो लिखा है स्लो मोशन लेवल 1, तो ये लेवल 1 का स्लो मोशन है, ये हल्का सा लगता है। ऐसी आप एक और बार इसको डालते हो तो वो लेवल 2 हो जाता है, थोड़ा और स्लो हो जाता है। फिर लेवल 3 के लिए एक और बार डालना, और स्लो हो जाएगा। और फिर इसको पूरा डीएक्टिवेट करना है तो एक और बार डालना, तो चौथी बार जब आप डालोगे ये पूरा स्लो मोशन हट जाएगा। फिर अगला चीट कोड है मून ग्रेविटी का, ये है 7112। इससे क्या होता है, अभी आप अर्थ की ग्रेविटी पे थे, अब आप मून की ग्रेविटी पे आ जाओगे। तो मून ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ की ग्रेविटी से काफी लाइटर रहती है, तो अब आप थोड़े और हल्के हो जाते हो, मतलब आप जमीन से थोड़ा और दूर हो जाते हो ग्रेविटी के तौर पे। इतनी अच्छी फिजिक्स मेरी है नहीं कि मैं समझा पाऊं, लेकिन आप भाई गाड़ी देख लो, गाड़ी अगर आप घुमाते हो ना तो देखो कैसी ड्रिफ्ट मारती है, नॉर्मल में भी ड्रिफ्ट मार रही है ये, तो ये होती है मून ग्रेविटी। और अगर आप आसमान से भी गिर रहे हो तो बहुत ही स्लो गिरोगे, क्योंकि आप फिर मून की ग्रेविटी से गिर रहे हो। अब मैं आपको कुछ सीक्रेट चीट कोड्स बताता हूँ गाइस, जो कि RGS टूल में रहते हैं। अगर आप फोन खोलोगे तो आपको RGS टूल दिखेगा, तो वहां पे आप ये कोड्स डाल सकते हो। सबसे पहला कोड जो हमारे इसी अपडेट में आया है वो है अटैक का। इसके बहुत सारे नाम भी है, लेकिन मैं आपको अभी अटैक से बताता हूँ। देखो अगर आप अटैक डाल देते हो तो ऐसा लिखा जाता है साइड में, टारगेट मोड ऑन, तो आपका जो मोड है वो ऑन हो चुका है। अब आपको एक डायनासोर स्पॉन करना है, कोई सा भी, ठीक है, लेकिन ब्रैकियोसॉरस छोड़ के। तो जैसे आपने ये डायनोसॉरस स्पॉन किया 52 की चीट कोड से, अब आपको एक NPC ढूंढना है जो कि आपके आसपास ही चल रहा हो, और इसको आपको बस एक गोली मारनी है। तो देखो क्या लिखा है, टारगेट लॉक, तो आपका टारगेट लॉक हो चुका है उस NPC पे। अब आपका जो स्पाइनो है वो जाके भाई उस NPC को मार देगा, वो गोली से नहीं मरेगा, अब वो स्पाइनो ही मारेगा। तो ये है इस मोड का कमाल। अब जैसे कि दूसरा NPC, इसको मैं पिस्टल से मार रहा हूँ, पहले मैंने AKM से मारा था, तो अब हमारा स्पाइन हो जाता है, टारगेट लॉक हो जाता है और ये इसको मारता है। लेकिन अगर आप किसी पे RPG मारोगे तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है, और पुलिस भी आपके पीछे पड़ जाएगी। अब इसका एक और कमाल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर T-Rex को स्पॉन किया 5-1 की चीट कोड से, अब मैं ना इसको स्पॉन करके इसी को गोली मार देता हूँ, तो ये खुद को टारगेट बना लेता है और खुद को ही खा लेता है। देखो खुद को ही खा के ये खुद ही मर जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब कि बहुत यूनिक चीज है, अच्छी तो नहीं है, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने वापिस एक ऐसे ही T-Rex या किसी को भी स्पॉन कर दिया, अभी मैं T-Rex को कर लेता हूँ 5-1 से, और अब मैं दूसरा जो स्पाइनो खड़ा है ना इस पे गोली मार देता हूँ, तो हमारा T-Rex क्या करता है, इसको जाके खाने लग जाता है, और इसको ये थोड़ी ही देर में जाके मार देगा। अगला RGS टूल का कोड है जेट। अगर आप जेट लिखते हो अपने फोन में तो आपके जो गेम है इसमें भाई जेट आ जाते हैं। देखो आवाज तो आई होगी आपको, अब थोड़ी देर में आपको दिखेगा भी, वो देखो आपको दिख रहा है, ये जेट आ जाता है गेम में। अब जितनी बार डालोगे ना ये, उतनी बार ये गेम में आ जाते हैं, बस ज्यादा मत करना वरना आपका गेम लैग होने लग जाएगा। और एक और बात, इसकी कोई चीट कोड नहीं है तो आप इन जेट्स को चला नहीं सकते हो। अब मैं आपको अगला मैजिक दिखाता हूं। तो अगर आप किसी जगह पे जाते हो, जैसे मैं यहां पे ना आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर जाके दिखा रहा हूं, कोई से भी लोकेशन पे आप चले जाओ, उसके बाद आप फोन निकालो, RGS टूल में लिखो सेव SAVE, तो इससे क्या होगा, आपकी पोजीशन जो है वो सेव हो जाएगी गाइस, यहीं पे यही पोजीशन आपकी सेव हो जाएगी। अब आप गेम खोलो, कभी भी आप गेम बंद करके खोलो और आपके फोन में आप लिख दो लोड LOAD, तो आप फिर उसी पोजीशन में लोड हो जाओगे, मतलब कि आप उसी पोजीशन में आ जाओगे कभी भी आप गेम खोलते हो तो। अगला कोड है हमारा कार बाय का। अगर आप कार बाय लिखते हो RGS टूल में, तो आपने जो कार शोरूम देखा है हमारे गेम में, उससे थोड़ा सा दूर रहना, जैसे मैं इतनी दूर हूं ना तो इतनी दूर से ही करना, वरना आपको दिखेगा नहीं। तो यहां से मैंने लिख दिया है कार बाय,
और लिखा गया है शोरूम कार्स बाय। अब आप जाओ शोरूम के पास आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको शोरूम के अंदर कार्स दिखने लग जाएगी गाइस। ये कार्स आ जाएगी और ये सब आपकी है, किसी को भी चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 कार्स आ चुकी है, पहले 6 आती थी, शोरूम भी अलग रहता था लेकिन अब ये चेंज हो गया है। फिर मैं आपको ये वाला रैम दिखाता हूँ जो कि शोरूम के बगल में है। ये तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो शोरूम के जस्ट बगल में है ये। अगर आप RGS टूल में जाके लिखते हो रोल ऑन RLLON और ये टिक कर देते हो तो ये जो है ये गोल गोल घूमने लग जाता है गाइस। नीचे देखो लिखा है रोलर ऑन, अब ये गोल गोल घूमने लगेगा और इसके भाई आप आर पार नहीं निकल सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टंट है ये। फिर रोल ऑफ लिखोगे तो वापस से ये ऑफ भी हो जाता है। फिर आपका जो फ़ोन है गाइस, इसका आप कलर देखो क्या है, रेड कलर का रहता है डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप इसमें लिख देते हो फ़ोन कलर ब्लू तो देखो आपका जो फ़ोन है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ऐसे आप फ़ोन का कलर चेंज भी कर सकते हो। तो ऐसे हमारे पास कुछ लिमिटेड कलर्स हैं, वो सारे कलर्स मैं आपको बता देता हूँ। एक है रेड, एक है ब्लू, एक है येल्लो, एक है ग्रीन, एक है वाइट, एक है पिंक, ठीक है। ग्रे नहीं होता है इसमें और RGB भी नहीं होता है। फिर आपके स्क्रीन पे जो ये बटन्स दिख रहे हैं ना, आप इनको थोड़ा सा गायब भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको लिखना है UI ऑफ, इससे देखो जो UI है वो ऑफ हो जाता है, लेकिन इससे आपका जो फ़ोन है ना ये भी थोड़ा कम दिखने लग जाता है। पूरे इसलिए गायब इसको नहीं किए, वरना फ़ोन गायब हो जाता तो फिर आप इसको वापस ला ही नहीं पाते। फिर ठीक है, आपको लिखना है UI ऑन, अगर वापस चाहिए तो UI ऑन लिख देना, वापस आ जाएंगे। आपके घर में एक पंखा भी है ना, तो आप इसको चालू कर सकते हो। अगर आप लिखोगे फैन ऑन तो देखो ये पंखा जो है ये गोल गोल घूमने लग जाएगा, चालू हो जाएगा सिर्फ यही पंखा। अगर आपको इसको ऑफ करना है तो वापस से फैन ऑफ लिख दो, ये बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो घर है ये वाइट कलर का रहता है, तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आपको लिखना है हाउस कलर रेड, तो ठीक है देखना है ये हो जाएगा रेड कलर का। ऐसी इसमें और कलर्स है जैसे कि ब्लू, ग्रीन, येल्लो, वाइट, ग्रे, RGB भी हो जाता है हमारे इस हाउस में, तो आप इसको ये भी कर सकते हो। और जब आप ये कलर्स करते हो अपने घर पे ना, तो आपका जो कार शोरूम है उसका कलर भी सेम कलर में होते जाता है, बस उसका कलर RGB नहीं होता है, बाकी सारे हो जाते हैं। तो इधर मैंने आपको बता दिए हमारे गेम के सारे चीट कोड्स और थोड़े छोटे मोटे RGS टूल के कोड्स है, लेकिन वो ज़्यादा किसी काम के है नहीं, वो बस अलग अलग नाम है एक ही कोड के। तो अगर आपको भाई ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट कर देना और क्या क्या नई चीज़ें आपको चाहिए इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। और अगर मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D